नमस्ते, आई एम डॉक्टर मोनिका सिंह. आई एम अ पीडियाट्रिशियन एंड द को फाउंडर ऑफ मदर योर चाइल्ड. आज का वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदों के ऊपर है. सबसे पहला तो कि ब्रेस्ट मिल्क फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो इतनी ज़्यादा पौष्टिक है और फ्री ऑफ कॉस्ट है. दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही कन्वीनियंट है, उसके लिए कोई प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं तो आपको बॉटल को स्टरलाइज करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा. अगर आप कटोरी चम्मच से करा रहे हैं तो आपको यूटेंसिल्स धोने पड़ेंगे, प्याला चम्मच धोना पड़ेगा. पर और बॉटल में गर्म पानी अगर चाहिए तो गर्म पानी गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें पाउडर मिलाना पड़ेगा, फिर बच्चे को देंगे आप उसको, तब टेम्परेचर ठीक हो जाएगा. बट ब्रेस्ट मिल्क के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो राइट टेम्परेचर पे होता है और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. ब्रेस्ट मिल्क में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क को डाइजेस्ट करना ईजी होता है, और वही एंजाइम्स बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करते हैं. ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन की मात्रा और जो प्रोटीन का कॉम्पोजिशन है वो एकदम ठीक होता है. उसमें 80% वे होता है और 20% केसीन होता है, जिसकी वजह से भी ब्रेस्ट मिल्क ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है. लैक्टोफेरिन जो कि ब्रेस्ट मिल्क में होता है, उससे जिंक और आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है. ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो मोर देन 2 है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क से कैल्शियम ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है. और तो और ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाता है. ब्रेस्ट मिल्क में अगर प्रोटीन कंटेंट देखा जाए तो वो काउज मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से कम होता है, बट ये प्रोटीन कंटेंट बच्चे की किडनीज पे एक्स्ट्रा भार नहीं डालता है और ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है. ब्रेस्ट मिल्क एकदम सेफ होता है, ब्रेस्ट मिल्क से कोई बच्चे को कभी भी एलर्जी नहीं होती है. काउ मिल्क से हमने सुना है, सोय मिल्क से भी कई बच्चों को एलर्जी होती है, पर ब्रेस्ट मिल्क से किसी बच्चे को कोई एलर्जी नहीं होती है. ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू माँ अपनी जो पैसिव इम्यूनिटी है या जो एंटीबॉडीज है जो बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगी, वो ट्रांसफर करती है बच्चे को, जिस वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम जो कि अभी ग्रो कर रहा होता है, जिसे प्रॉपरली बनने में 6 महीने लगते हैं, तब तक बच्चा इन्फेक्शन से बचा रहता है. ब्रेस्ट मिल्क माँ और बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग में हेल्प करती है. तो अगर हम कंपेयर करें ब्रेस्ट फेड बच्चों को बॉटल फेड बच्चों से, तो 14 टाइम्स जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं दे आर लेस लाइकली टू डाई फ्रॉम डायरियल इन्फेक्शंस, 4 टाइम्स ब्रेस्ट फेड बच्चों को लेस चांसेस है टू डाई फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एंड 2.5 टाइम्स लेस लाइकली टू डाई फ्रॉम अदर इन्फेक्शंस. तो ऑल इन ऑल ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और एक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देता है बच्चे को. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, फील फ्री टू रीच आउट टू अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी पेरेंटिंग. बाय बाय.